नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो या काम करना चाहते हो तो आपने पीएलसी इस तरीके का जो डिवाइस है वो मशीनों के अंदर देखा होगा। ये जो पीएलसी है इसकी सहायता से मशीन्स और पूरी की पूरी जो असेंबली लाइन्स होती हैं और पूरा जो सिस्टम रहता है उसको कंट्रोल किया जाता है। पीएलसी का इस्तेमाल हर एक तरीके की मशीन और हर एक इंडस्ट्री में किया जाता है। चाहे आप फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप स्टील में काम कर रहे हो, शुगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हो, आप चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, आपकी मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको पीएलसी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको असेंबली लाइन एक पूरी खड़ी करनी है, उस लाइन्स पे आपको प्रोडक्शन बनाना है, सिस्टम अपने बनाने हैं, तो आपको वो सारी लाइन कंट्रोल करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी वो डिवाइस होगा पीएलसी। तो ये जो पीएलसी है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडस्ट्री में। अब इन मशीनों को चलाने के लिए और इन लाइंस को कंट्रोल करने के लिए पीएलसी के अंदर एक प्रोग्राम डाला जाता है, जिस प्रोग्राम की सहायता से पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो ऑपरेट होता है। अब ये जो प्रोग्रामिंग है ये अलग अलग लैंग्वेज के अंदर की जाती है। आज हम उन्हीं लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि हम पीएलसी को कितनी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकते हैं और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, और प्रैक्टिकली मैं आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कि इस लैंग्वेज में देखिए प्रोग्राम ऐसे रहता है, इसमें ऐसे रहता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पीएलसी बेसिकली मेनली पांच लैंग्वेज पीएलसी की प्रोग्रामिंग की मिलती हैं। सबसे पहले आप कैटेगराइज कर सकते हो लैडर, फिर आप इंस्ट्रक्शन लिस्ट, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम और सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट्स। तो ये पांच लैंग्वेज पीएलसी की प्रोग्रामिंग की रहती हैं जिसमें हम पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। आप चाहे तो पीएलसी को लैडर में प्रोग्राम कर सकते हो, आप चाहे तो इंस्ट्रक्शन लिस्ट में प्रोग्राम कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर टेक्स्ट में, फंक्शन ब्लॉक में और एसएफसी में, जिसमें भी आप चाहो, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, जिस पे भी आपकी अच्छी कमांड है, आप उसके अंदर पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लैडर में करोगे तो आपको कुछ फायदा होगा, इसमें करोगे तो कुछ नुकसान होगा, इसमें कुछ फायदा होगा, इसमें कुछ नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोग्राम है एट द एंड उसको सेम काम करना है, बट उसका जो लैंग्वेज का तरीका है, प्रोग्रामिंग का तरीका है, वो आपका डिफरेंट हो जाना है। तो आप पीएलसी को इन पांच लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकते हो। पीएलसी के अंदर आपको ये पांच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं। अब इन्हीं लैंग्वेज को अलग अलग पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिकली मैं आपको पीएलसी के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में इन लैंग्वेज को दिखाऊंगा कि कैसे आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं लैडर से। लैडर इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर हम एनओ, एनसी, इंस्ट्रक्शन, कोयल, इन सभी का यूज करके अपना प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक X1 है, इसका NO लगा है, Y1 का NC लगा हुआ है, इसको NC बोलते हैं, ये फिर से NO, इस तरीके का जो सिंबल, ये फिर से NO, और यहाँ पे ये के टाइमर की कोयल लगी हुई है, और ये सेट इंस्ट्रक्शन लगी हुई है, ये रीसेट इंस्ट्रक्शन लगी हुई है। तो इस तरीके से लैडर जो है उसके अंदर NO, NC, कोयल्स, इंस्ट्रक्शन, इनका यूज करके हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि बहुत ही ईजी होती है प्रोग्राम करने में और ट्रबल शूटिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा इसके अंदर आसानी होती है। अब लैडर को लैडर क्यों बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए लैडर जो होता है ये बिल्कुल एक लैडर की तरह रहता है, सीढ़ी की तरह रहता है, इसमें ऐसे स्टेप बने रहते हैं और हर एक लाइन को हम रंग बोलते हैं, और इसका जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस रहता है इसमें लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जो पीएलसी है वो प्रोग्राम को स्कैन करता है। इसके अंदर लैडर के अंदर आपको इस तरीके से लाइनें जो हैं वो रहती हैं, और इन लाइनों के अंदर इस तरफ आप ये जो लेफ्ट की तरफ हम इनपुट कनेक्ट करते हैं और इस तरफ हमारे आउटपुट रहते हैं, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इस तरीके से हर एक लाइन के अंदर रहते हैं। ये जो एक लाइन पूरी बन जाती है जब आप इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर देते हो तो इसको रंग बोलते हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ रंग्स जुड़ के एक लैडर को बनाती हैं। इस प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो एक रंग, दो, तीन, चार, फोर रंग का एक प्रोग्राम बना हुआ है। तो यहां पे जो सिस्टम है एग्जीक्यूशन का वो NO, NC, कोइल्स इसके साथ लगाया जाता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये जो प्रोग्राम को स्कैन करता है एक लैडर की तरह दिखाई देता है, इसको हम लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगली प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको समझ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से आपका बनता है। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। जैसे लैडर के अंदर NO, NC, कोइल्स लगा रहे थे ना, यहाँ पे वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रहेंगी जैसे LD और TMR और अलग टाइप की इंस्ट्रक्शन। जैसे यहां पे आप देख रहे हो LD,
ANI सेट सेट LD और ANI TMR LD, ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। इन सारी इंस्ट्रक्शन की सहायता से ही आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। PLC इन इंस्ट्रक्शन को स्कैन करती है और जो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर कंडीशन आपकी लिखी रहती हैं, जैसे ये एंड कंडीशन लिखी हुई है, ANI OR कंडीशन, ठीक है, इन सारी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते आपके जो प्रोग्राम का रिजल्ट होता है वो अपडेट कर देती है। ये जो मैंने अभी आपको लैडर वाला प्रोग्राम दिखाया था उसी का ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर प्रोग्राम है। तो इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उसकी सहायता से PLC को प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज। स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज बिल्कुल जैसे आपने C++ जो ये लैंग्वेज देखी होंगी उनकी तरह ये रहती है। इसके अंदर जो हम प्रोग्राम करते हैं वो स्टेटमेंट्स, कंडीशंस और ऑपरेटर को यूज करके प्रोग्राम करते हैं। जैसे यहां पे हमने एक स्टेटमेंट को लिख दिया, स्टेटमेंट को लिखने के बाद यहां पे एक कंडीशन बना दी, इफ अगर ये होगा तो ऐसा होना चाहिए, एंड इफ ये होगा तो ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पे ऑपरेटर्स का जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्स्ट्रक्शंस, इन सभी को यूज करके हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे C++ के प्रोग्राम दिखाई देते हैं। तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद देखते हैं फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। देखिए फंक्शन ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर हम फंक्शंस का यूज करते हैं एक ब्लॉक के अंदर। आपके पास एक ब्लॉक रहता है, उस ब्लॉक का एक पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे एक ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा EQ इक्वल, मतलब कि ये स्टेटस, ये इनपुट हुआ, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी इक्वल हो जाएंगी तो आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। और तो इस तरीके से अलग अलग आपको फंक्शंस के ब्लॉक मिलते हैं, ठीक है, ब्लॉक एंड और ये सारे ब्लॉक रहते हैं। इनकी सहायता से आप अपने का अपना पूरा प्रोग्राम बनाते हो, जैसे आपका एंड कंडीशन, और कंडीशन, नॉट कंडीशन, ठीक है। तो इन सभी फंक्शंस ब्लॉक को यूज करके और भी एडवांस ब्लॉक आपको मिलते हैं, हम पूरे का पूरा PLC का एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमें एक फंक्शन मिलता है, उसका एक ब्लॉक रहता है, उसको यूज करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। देखिए इसके अंदर जो प्रोग्राम किया जाता है उस प्रोग्राम को हम स्टेप्स के अंदर करते हैं। यहाँ पे क्या रहते हैं, हम स्टेप्स बनाते हैं। जैसे आपको S0 एक स्टेप दिखाई दे रहा होगा, स्टेप और ट्रांजिशन, इसके अंदर क्या रहता है, स्टेप और ट्रांजिशन रहता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग प्रोग्राम के जो स्टेप हैं S0 S1 S2 और उन स्टेप के लिए जो कंडीशन है उसको यूज करके अपना जो है पूरा का पूरा वो प्रोग्राम बनाते हैं। सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट के अंदर क्या रहता है, स्टेप और ट्रांजिशन हमारे रहते हैं। तो इस तरीके से जो PLC के 5 लैंग्वेज हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग की, ये दिखाई देती हैं और इनके अंदर प्रोग्राम बनता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी PLC प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज कौन सी है और आप अलग अलग प्रोग्राम को कैसे बना सकते हो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैं यहां पे एक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं, ये WPL सॉफ्टवेयर है, डेल्टा की PLC के लिए है। ये सभी PLC की जो अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको ये सिस्टम मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास जो PLC है वो सभी पांचों की पांचों लैंग्वेज को सपोर्ट करती हो। आपको ये चीज पहले से इंश्योर करनी पड़ेगी, ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर PLC का मॉडल है ये किस किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगर आपको पांचों लैंग्वेज को सपोर्ट चाहिए तो वो काफी महंगा आता है। तो यहां पे मेरे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है, उस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप अलग अलग लैंग्वेज के अंदर स्विच कर सकते हो और कैसे आप प्रोग्राम बना सकते हो। मेरे पास एक कोई भी रैंडम प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैंने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे ये जो प्रोग्राम है ये लैडर के अंदर दिखाता हूं। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये लैडर के अंदर बना हुआ है। यहां पे सारे का सारा प्रोग्राम किस में बना है, लैडर में बना है। NONC लगे हैं, कॉइल लगे हैं, यहां पे आपको सिंबल मिल जाएंगे जिसकी सहायता से आप अपना प्रोग्राम आगे और बना सकते हो। अब अगर इसी प्रोग्राम को मेरे को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर देखना है या किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर बनाना है, तो मैं जब यहां पे फाइल में जाऊंगा और यहां पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन क्रिएट करूंगा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं, यहां पे न्यू प्रोजेक्ट का क्रिएट किया और यहां पे PLC कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ अपना सेट करूंगा, और यहाँ पे जो सेटिंग है, सेटिंग के अंदर जाके जो भी कम्युनिकेशन का आपको सेट करना है, कम्युनिकेशन का अपना सारा कुछ सेट कर दोगे आप प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे इसको ओके कर दोगे, यहाँ पे ओके करोगे, ओके करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब ये विंडो ओपन होने के बाद आपके पास अलग अलग विंडो आ रहे हैं। ये विंडो फिर से मिनिमाइज हो गया, एक मिनट रुकिए, मैं इसको प्रोग्राम को स्विच करता हूँ। इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको हम स्विच कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ पे देखिए, ये अभी जो प्रोग्राम आपका आ रहा है ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर वो प्रोग्राम बना रहा है। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम की लैंग्वेज को स्विच कर सकते हो कि आपको किसके अंदर बनाना है और कैसे करना है। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है अभी इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर बना रहा है, यहाँ से प्रोग्राम को चेंज करूँगा तो ये प्रोग्राम जो है आपका
लैडर के अंदर चला जाएगा, यहाँ से फिर से चेंज करूँगा, ये आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम की लैंग्वेज है आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रोग्राम है आपका ये SFC के अंदर आ चुका है, जो स्टेप मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप स्टेप लगा के S0 स्टेप, यहाँ पर आगे की एक कंडीशन, फिर आगे से जो भी आपको स्टेप लगाना है S2 स्टेप, ठीक है, यहाँ से जो भी आपको कंडीशन आगे फर्दर अपनी लगानी है वो कंडीशन लगा के। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, आप सॉफ्टवेयर के अंदर, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक फंक्शन रहता है। जैसे मैंने डेल्टा का दिखाया, अगर आप मित्सुबिशी का यूज़ कर रहे हो, सीमेंस का यूज़ कर रहे हो, किसी और PLC का यूज़ कर रहे हो, उनके अंदर भी जो ये स्विच करने का फंक्शन रहता है, यहाँ पर अब ये SFC है, SFC के अंदर इस तरीके से जो हमारा है प्रोग्राम है वो बनता है। तो आप इसमें स्टेप्स और ट्रांजिशन का यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हो। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं, नोप 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 लिखा रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बना ही नहीं हुआ है। मैं एक प्रोग्राम ओपन करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे ओपन कर लिया, इसी प्रोग्राम को फिर से ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है, अब ये तीनों मोड ओपन हो रखे हैं। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट और लैडर डायग्राम मोड, ये इसका लैडर डायग्राम मोड है। अगर आपको लैडर डायग्राम मोड के अंदर प्रोग्राम चाहिए तो इस तरीके से प्रोग्राम दिखाई देगा ये, ठीक है। आप इस मोड को ओपन कर सकते हो। ये SFC के अंदर बना हुआ है, SFC वाला प्रोग्राम मैं अभी आपको बना के दिखा रहा था, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो मैं आपको बता रहा था, ये लास्ट में इंस्ट्रक्शन लिस्ट रहा। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन लिस्ट देखिए, LDANI, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इस तरीके से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। डेल्टा के अंदर स्विच करने का ऑप्शन यहां से रहता है, ठीक है। आपको जिस भी विंडो के अंदर प्रोग्राम बनाना है, लैडर आ गया देखिए, यहां पे लैडर के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आपको इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर जाना है, आपको इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर लेके चला जाएगा ये, यहां पे इंस्ट्रक्शन लिस्ट में आ चुका है। SFC के अंदर जाना है, यहां पे देखिए मोड पे लिखा भी आ रहा है, मैं जहां जहां पे कर्सर लेके जा रहा हूं तो वहां पे लिखा भी आता है SFC डायग्राम मोड, या SFC के अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर सिर्फ तीन ही लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे को तीन ही मिल रही है, बाकी जो दो लैंग्वेज है यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। इस तरीके से अलग अलग जो PLC के मॉडल हैं, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है, आपको कहीं पे दो ही मिल सकती है, कहीं पे एक ही मिल सकती है, कहीं पे चार मिल सकती है, कहीं पे पांच मिल सकती हैं। तो आपको जिस भी लैंग्वेज के अंदर काम करना है, जो भी आपके पास है, आपको पहले चेक कर लेना कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल मेरे पास PLC का जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो सपोर्ट करता है नहीं करता है, तो आप आगे वो फिर सारी चीजें कर सकते हो। तो इस तरीके से आप PLC को अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकते हो और सीख सकते हो। अगर आप ये सारी प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 3,500 रुपए में PLC HMI VFD हम करवाते हैं, जिसमें विद प्रैक्टिकल ऑनलाइन आपको डिलीवर किया जाता है, तो आप अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। थैंक यू।